इसके बाद दूसरी गाड़ी आई इधर से, इधर से वो गाड़ी को चेक किया। हमने अपनी गाड़ी मोड़ी और दूसरी मोड़ी, वो गाड़ी दूसरी गाड़ी किसकी थी? ये थी हमारी थी, तीसरी और थी, तीसरी किसकी थी? वो जिसके हमने सामान पकड़ा ना। मेरा कहाँ गया मेरा बाड़ में सर। ले मेरा जा तुम्हारे पास जाता है ना। हाँ जी जनरल साहब, ये टायर चेंज करा के साथ तुम और एक अरे वो मैं छुट्टी पे आज कल चुनाव है और मेरे पीए और ड्राइवर जो एजेंट फार्म देने थे कल चुनाव होंगे तो सवेरे तो इधर कगाऊ से होकर सनावड़ आ रहा था तो कगाऊ से निकलते एक बोलेरो गाड़ी ने इसका पीछा किया और आगे पीछे एक दो बार हुई। फिर ये धीमे धीमे करते आ गया सनावड़ा गांव, सनावड़ा यहाँ जैन है लूनकर्ण उनके घर के आगे रोक किसने रोकते ये तो अंदर दौड़ के घर के अंदर चला गया। पीछे दो गाड़ियाँ और आई और लोग भी और भी लोग आए कम से कम चार पाँच तीन चार सौ लोग होंगे और गाड़ी ड्राइवर को मारपीट करने लगे तो ड्राइवर गाड़ी के अंदर कांच बंद कर अंदर घुस गया और फिर कांच तोड़े और धक्का मुक्की की। ड्राइवर डरता गाड़ी भगाई वहाँ से, टायर की हवा निकालनी और इधर बाड़मेर साइड का नाका बंद था उधर भी गाड़ी आड़ी खड़ी थी इनकी, तब इधर इस साइड में भागा आगे इनके पुलिस थी, पीछे वो गाड़ी थी जिसमें पिस्टल थी अंदर। तो इनका इरादा पहले से ही मेरे वो जब मैं जा रहा था मगने की डाणी एक दो बार पहले भी किया और ये शून्य तरीके से पिस्टल लेके हमला करना चाह रहे थे इस पर। कौन लोग थे ये लोग, आपको किस पे अन्याय है? ये कर्नल साहब ही करा रहे हैं और कौन करा है? आवास वस तो वही लोग हैं, ये बिल आवास क्या तो है इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उन्होंने चैलेंज कर रखा है और करेंगे, कल ये चुनाव है और उसको टेरर बूथ कैप्चर होंगे, मुझे पता है कि कल मेरे पे अटैक होगा इसमें कोई दूरा नहीं और जगह जगह आप देखेंगे कल किस तरह की घटनाएं होगी। प्रशासन इसमें पुलिस प्रशासन आपने इसमें कंप्लेंट दी है रिटर्न में बूथ कैप्चरिंग? बूथ कैप्चरिंग की तो मैंने एक नहीं भारत चुनाव आयोग तक दी है। नहीं अब आपको पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से कुछ उम्मीद है या? नहीं उम्मीद तो इनसे ही होगी और तो किस मदद कर रहे हैं आपकी? मदद करेंगे और अपन भरोसे भी जीते। आज सुबह से मैं बूथों पे एजेंट फॉर्म बांटने को लेके घूम रहा हूँ। शाम को करीबन 7-1 बजे ये मैं कगाऊ था जहाँ हमारे लोगों को कांग्रेस के वर्कर्स को मैंने एजेंट फॉर्म उपलब्ध कराया। फिर जैसे मैं रवाना हुआ तो पीछे मेरे गाड़ी रवाना हुई, इसने पीछे से भगाई आगे आया, आगे इसने ब्रेक किए तो मैंने ड्राइवर को कहा भाई धीरे चल अपने कोई फालतू के पंगे नहीं हो, ठीक है। फिर हमने धीरे धीरे गाड़ी ली, फिर इसने और वापस खड़ी कर दी तो हमने वापस पास से निकाल दी। डोगरों को तले हुए मैं सनावड़ा आया लूनकर्ण जी के यहाँ। जैसे मैं आया पीछे से एक गाड़ी आई दूसरी आई, ठीक है, नहीं तो मैं तो पास में गया। हमारा डेलीगेट है कांग्रेस का वालाराम जिले का, वो मेरे साथ वो साथ में थे। मैंने फ़ोन किया मैं कि भाई यहाँ बूथ पे जो हमारे वर्कर्स है वही बैठा थे। और जैसे ही मैं अंदर गया और पीछे से ये उतरते ही उन्होंने मेरे ड्राइवर के साथ धक्का मुक्की की, ठीक है। तो ड्राइवर ने कहा कि भाई हम तो ये आए हैं, वो अंदर गए हैं, ठीक है। तो उनके साथ धक्का मुक्की करने गए तो वो बेचारा अंदर फाटक अंदर बंद करके सेंटर लॉक करके उसने जैसे इसने ईंटों पे ईंटों से इसने हमले किए, मेरे गाड़ी के कांच तोड़ दिए, हवा निकाल दी गाड़ी की। मेरे को लून जी की वाइफ ने
जबरदस्ती धक्का दे के अंदर घुसा दिया और मेरे को अंदर से लोग दे दिया। और फिर लोगों ने कहा इसको बाहर निकाल, नहीं तो हम ऐसे कर देंगे, वो फलाना कर देंगे, ठीक है। नहीं मेरे साथ में इन्होंने आए तब बीच में ये वालाराम लेगा, ठीक है ना, वालाराम लेगा बीच में आ गया, ठीक है ना, उसके साथ धक्का मुक्की हुई वालाराम के साथ में, ठीक है ना। और फिर मैं अंदर चला गया, मैंने अंदर साहब को एसपी साहब को सीधे फ़ोन किया, है जो बीजेपी का डेलीगेट का चुनाव लड़े हैं, ठीक है नहीं, और उसके साथ और भी चार पांच लोग थे। फिर आदेश मिले कंट्रोल से 7 से 9 आपके यहाँ नाकाबंदी करनी है, नाकाबंदी करी तो काफ़ी गाड़ियाँ निकल चुकी थी। पहले ये गाड़ी आई थी, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा सा हो गया था, पहले हमने उसको रोका मेरे आदमियों ने साथ में, फिर ये गाड़ी आई थी तो इसको हमने तलाशी ली। तलाशी लेने पर सीट के नीचे ये कोई जो असला मिला था वो मेरे जवान ने पकड़ लिया था, मेरे को बताया। अच्छा मैं ठीक है तो रखो इसको। आपको देखने में कैसा लगा, मतलब वो सही था? सही है तो नहीं, ओरिजिनल का था या नकली कोई पिस्टल थी रबड़ की खेलने के लिए? नहीं नहीं, खेलने वाले तो चीज़ काहे के लिए लिया गया इलेक्शन के टाइम में, काहे के लिए लिया गया, वो तो खिलौना था। आपने जब्त कर ली? जब्त कर ली मैंने उसको। अच्छा। तुरंत गाड़ी का नंबर लिया और उसका भी नाम पूछा और कंट्रोल को तुरंत सूचना दी। उसके बाद में तुरंत मैंने सदर थाने SHO को सूचना दी। गाड़ी किसकी थी वो गाड़ी? कोई बता रहे हैं यहाँ चौधरी है कोई, कोई उसमें स्कूल में तो बाहर का आदमी हूँ, यहाँ से 12 से गाड़ी नंबर है, गाड़ी नंबर तो है वो लड़के के पास है। आपने किसी को गिरफ्तार किया है कोई आपकी हिरासत में? नहीं, वो निकल गया। हाँ, क्यों गाड़ी हमने मोड़ने के लिए कहा था थाने के लिए, तो साहब ने कहा सीधा राम ये सही ना कि सब गाड़ी मोड़ लेते हैं, मेरी गाड़ी आगे थी, दूसरी पीछे थी, तीसरी उसकी थी, मैंने मोड़ना चाहा तो मैंने ईमानदार आदमी मुड़ के तो ला, लेकिन उसने झटका देकर के गाड़ी को ले लिया। अच्छा, आपके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह फोन वगैरह उसको छोड़? हाँ, प्रेशर करवाया था उसने, फ़ोन करवाया वहाँ से कि मैं ये हूँ, मैं मिलिट्री का हूँ, आप और हम स्टाफ ही है। मैंने कहा यार ऐसा इलेक्शन का मामला, ड्यूटी का करता तो मुझे निभाना पड़ा। इसका फोन ये MLA साहब के PA की गाड़ी के हवा निकालने की सूचना मिली है, जब मौके पर आए आप लोग भी हो, गाड़ी के टायर की हवा निकाली हुई है। और कुछ सर, कोई मारपीट या और किसी तरह कोई आरोप वगैरह? मारपीट तो किसी के अपने सामने खड़े हैं सभी लोग, आप भी देख रहे हैं। नहीं, इन लोगों ने कोई आपको कंप्लेन वगैरह क्या? अभी हमने कहा है जो भी घटना हुई है इनको कहा है आप रिटर्न में हमें कंप्लेन दे देंगे, जैसी रिपोर्ट देंगे वैसे दर्ज करके हम जांच करेंगे।